नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN 24। बिहार का अररिया जिला हमेशा से ही कुछ ना कुछ मुद्दे को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। बीते दिनों एक और जहां पुल का गिरना एवं बिना नाले एवं नदी के पुल का निर्माण हो जाना है, तो वहीं दूसरी ओर अररिया जिले के फारबिसगंज क्षेत्र में 1,72,00,000 से ज्यादा की लागत से लगभग 1.5 साल पहले बनी सड़क एवं नाले की स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें गिट्टी बालू सीमेंट छड़ सब अलग हो गया है। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर बन चुके हैं और बरसात के दिनों में आए दिन दुर्घटना हो रही है। यानी कि गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा है, इसका आकलन लगाना काफी मुश्किल है। आमजनों की माने तो ये सड़क और नाला जब बन रहा था उस समय भी गुणवत्ता को लेकर कई तरीके के सवाल किए गए थे, लेकिन आनंद फानंद में सड़क एवं नाले के कार्य को पूर्ण किया गया। गुणवत्ता के मामले में तो ये सड़क और नाला चीख चीख कर जवाब दे रहा है। वहीं दूसरी ओर कई काम ऐसे भी बाकी हैं जो ठेकेदार के द्वारा पूर्ण नहीं किया एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसके बारे में सुध लेने का समय नहीं है। स्थल पर स्थानीय लोगों द्वारा फारबिसगंज निवासी राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव इंजीनियर आयुष अग्रवाल को स्थल पर बुलाकर अपना दुखड़ा सुनाया गया, जिसको लेकर आयुष अग्रवाल ने मौके पर पूरा घूमकर जायजा लिया एवं ठेकेदार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र ना तो बुनियादी सुविधा के नाम पर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और ना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था, और अब सड़क और पुल पुलिये के नाम पर वोट की राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने गुणवत्ताहीन सड़क और नाले को लेकर RTI भी दाखिल किया है एवं जिले की जिला पदाधिकारी इनायत खान से भी मिलकर इस संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा तथा स्थल जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। अग्रवाल ने मांग की कि कार्रवाई के बाद दोषी संवेदक को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए एवं जनता की सुविधा के लिए पुनः सड़क एवं नाले का निर्माण उसी फंड से होना चाहिए। आयुष जी, आप लगातार जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा को हमेशा से उठाते आ रहे हैं। ये जो सड़क बनी हुई है महिला कॉलेज को लेकर, इसको क्या, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जैसा आपने कहा कि जन सरोकार का मुद्दा और जन सुविधाओं के मुद्दे को हम उठा रहे हैं, तो आज इसी क्रम में हम आए हैं। ये आप देखिएगा, ये रोड है जो हाईवे से कनेक्ट होता है शहर की तरफ, और यहाँ से पटेल चौक की तरफ जाते हैं, महिला कॉलेज का रास्ता है ये। आज से लगभग 1 साल पहले ये रोड का निर्माण हुआ। योजना जो थी ये नगर पालिका की तरफ से आया था और शिलान्यास जब हुआ था उस समय भी ये रोड काफी विवादित हुई थी, कई तरीके की चीजें इसमें फंसी थी, लेकिन लबोलुभाव इसमें बस यही है कि बाद में बहुत तरीके की चीजें होने के बाद ये रोड पास हुआ और इसका काम चालू हुआ। रोड और नाला दोनों 1,72,00,000 के लगभग राशि से इस रोड का निर्माण और नाला का निर्माण होना था, जो हो भी गया। कुछ कलवट भी निर्माण होने थे, कलवट निर्माण आज तक नहीं हो पाया। अब आप देखिए कि 1 साल हुआ है लगभग इस रोड को बने हुए, बड़ी गाड़ियों का आना जाना है, शहर को जोड़ता हाईवे से ये रोड, और इसकी स्थिति यह देख लीजिए कि आज एक एक ईंट इसमें से निकल रही है। आप आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, पॉटहोल हो गया है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। जिस योजना से ये सड़क बनी है उस योजना का क्या स्थिति है, कौन ठेकेदार थे, जो किस फंड से जिस जनप्रतिनिधि ने इसको बनाया, क्या उसने कभी भी एजेंसी से पूछा, या फिर एक प्रावधान और होता है एनुअल मेंटेनेंस वाली चीजें, क्या यह रोड उस एनुअल मेंटेनेंस वाले जोन में आता है कि नहीं आता है। आप इन बातों को समझिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में एक तो जो बुनियादी चीजें हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, उसमें तो हम लोग फिसड्डी हो ही चुके हैं, और अब जो रोड पुल पुलिया इसकी जो बात होती है और उसको भी जो बनाया जा रहा है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। क्या दोस्तों, 1 साल पहले लगभग बना है रोड, आज एक एक ईंट निकलती है। आगे जब बड़ी गाड़ियां जाती है तो दुर्घटना की प्रबल संभावना भी है और होता भी है। सिटी रिक्शा जब जाता है तो पलटता है, टेम्पो जाता है तो पलटता है। मैं कल रात की बात बताता हूँ, कल रात जब हम इसका निरीक्षण करने और देखने के लिए आए थे, बरसात का मौसम है और भर इतना इतना पानी लगा हुआ था, भर घुटना पानी था, लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा था कहाँ रोड है और कहाँ नाला है।
एक टेम्पू उस पानी में घुसा और वो उसमें सवारी थे और वो पलटने की स्थिति में हो गया, क्योंकि वहां गड्ढा था और उस टेम्पू वाले को ये पता नहीं था कि यहाँ पे गड्ढा है। अब आप सोचिए, रोड बन गया, उस समय तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुए, एक बार काम रुका भी था, लेकिन रोड बनने के बाद देखने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि को यहाँ पे समय नहीं है, क्योंकि फंड अलॉट हो गया, एक बार के लिए काम हो गया और अब वापस से रोड पास होगा और फिर से काम होगा आज से 2-4-5 साल के बाद। ना एनुअल मेंटेनेंस के बारे में कोई जानकारी लेने के लिए है, ना रोड की स्थिति का कोई जिम्मेदारी तय करने के लिए बैठा है। क्या कहना चाहेंगे वैसे जनप्रतिनिधि से जो इस तरह के जो है काम को कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं जनता की? देखिए, हमारा स्पष्ट सा कहना है, मैं सकारात्मक तौर पर हमेशा राजनीति करता हूं और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पहले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, और आप जो ये रोड का काम कराते हैं तो उसमें भी वो गुणवत्ता होनी चाहिए कि एटलीस्ट लोग उस रोड को देख करके कहें कि फलाने जी के फंड से फलाने जी ने बनाया था तो इतना अच्छा रोड बना है। जो आज भी आप चलिए शहर के मुख्य मार्ग में, आज भी आप चलिए अच्छी अच्छी जगहों पे शहर में, जो रोड आज से 20 साल पहले बना होगा वह रोड की स्थिति इस रोड की स्थिति से अच्छी है। तो आप इन बात को समझ लीजिए कि पहले जो काम होता था उसमें गुणवत्ता होती थी, आज जो काम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। चूंकि जनप्रतिनिधियों के पास समय नहीं है, या फिर कह लें कि जनप्रतिनिधियों की वो मंशा नहीं है कि वह आम पब्लिक को अच्छी सुविधा दे सके। आयुष अग्रवाल, प्रदेश प्रधान महासचिव, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल। तो अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24।